बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर के मैथ के लेक्चर 41 के साथ हाजिर हूँ। ठीक है जी, हमने एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू की हुई थी। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका था कंप्लीट, इसका लास्ट पार्ट रह गया था और लास्ट पार्ट में एक फार्मूला बन रहा जो कि आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट है जी, पार्ट नंबर 11। ठीक है, क्या है कि इंटीग्रेशन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x और डिवाइडेड बाय जी ई की पावर x दिया हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 का ये लास्ट पार्ट है और काफी इजी है। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर x क्या था, ये e की पावर x ही था। इसी तरह e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो भी e की पावर x ही होती है। ठीक है जी, ये याद रखना, इसकी एक टाइप है जो टाइप नंबर मेरे ख्याल से 5 है, वो उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, मजे अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर की टर्म में से क्या कॉमन मिल रहा है, e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन है तो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय e की पावर x है जी। ओके, और इसमें अब क्या होगा कि e की पावर x के साथ अब कैंसिल हो गया, तो आपके पास फिर बचता है जी क्या कि इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 बच जाता है जी। ओके, हो गया। अब इन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करो, e की पावर x को अलग किया और 1 को आपने अलग कर दिया। अब e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या थी, e की पावर x ही थी, तो ये e की पावर x आ गया प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, उम्मीद है आप लोगों ने टाइप्स याद कर ली होंगी, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, ये x थी। ओके जी, और प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट तो c लगा देते हैं, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। ओके, हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि क्या, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b दिया हुआ है। ओके, तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हो गए, ओवर में हो और स्क्वायर रूट में दी हो, तो आप इसको ऊपर तो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसको रैशनलाइज करोगे, और रैशनलाइज का मतलब कि आपने एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, और वो क्या होगी, यही वैल्यू तो यही होगी पर बीच में साइन चेंज कर देते होते। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले इसको रैशनलाइज किया, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b था जी, रैशनलाइज किया। इसके साथ आप लोग रैशनलाइज करोगे, हाँ जी, वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b आ गया जी। ओके, हो गया। अब मजीद क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बन जाएगा जी क्या, 1 ओवर इस टर्म को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ जाएगा x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाय, और नीचे आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अप्लाई करते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और उसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b हो गया। ओके जी, ठीक है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा क्या था, के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। मजीद अब क्या होगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b और नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x प्लस a माइनस x प्लस b बच गया। ओके जी, अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b ओवर, हाँ जी, x प्लस a और ये माइनस का साइन है, अप्लाई करोगे तो साइन चेंज कर देते हैं। ओके, और जबकि नीचे x x के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ओवर में a माइनस b बचता है, ये कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये 1 ओवर a माइनस b और इंटीग्रेशन, अब बचा जी क्या, k स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b आ गया। ओके, हो गया। अब जी 1 ओवर a माइनस b, अब इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a आ जाएगा
और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी आ जाएगा। ओके, अब इनको इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने, और इंटीग्रेशन का रूल क्या था कि जस्ट पावर में 1 ऐड करना और उसी के साथ डिवाइड कर देना, तो करते हैं। तो कितनी पावर है, स्क्वायर रूट का अगर पावर में लिखो तो कितना लिखते हो, चले 1/2। तो 1/2 में जब आप 1 ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, ठीक है जी, 3/2, और उसी के साथ हम क्या करते होते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेम भी इधर भी माइनस, तो x प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और उसी के साथ डिवाइड कर दिया। अब चूंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, c ऐड कर देते हैं, तो ओवर में 2 है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास 1/a-b इंटू, तो इसको 2 × x + a की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 3 आ गया, -2 × x + b और पावर जी 3/2/3 हो जाएगा और प्लस सी है। अब इन दोनों टर्म्स में 2/3 कॉमन ले लो और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट इज जी 2/3 × a-b और इंटू जी x प्लस a की पावर 3/2 और माइनस, हाँ जी, x प्लस बी की पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हो गया। लो जी, इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है जो कि आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ, 2 अभी नहीं करना है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट अभी नहीं करना है, उसका एक अपना फार्मूला टाइप है वो हम बाद में कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2 का जी पार्ट नंबर 4 है, हाँ जी, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x की पावर 3/2 दिया हुआ जी। ओके जी, a माइनस 2x की पावर 3/2 है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे होगा। अगेन जी, क्या आपको ये फार्मूला याद है कि इंटीग्रेशन ऑफ a x प्लस माइनस b की पावर n, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, हाँ जी, क्या थी कि जस्ट पावर में हम क्या करते थे, 1 ऐड कर देते थे, तो n प्लस 1 और उसी के साथ डिवाइड करते थे, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी x का कोफिशिएंट था उसके साथ भी हम डिवाइड किया करते थे। तो x का ऑप्शन क्या है, a, तो वो भी डिवीजन में आ जाता है। अब यहाँ पे गौर करें तो यही फार्मूला अप्लाई होना है, मगर x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, हाँ जी, 2, ये माइनस 2, हाँ जी, माइनस 2 है, ठीक है ना, माइनस 2 साइन का ख्याल रखना है। तो अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, क्या था कि a माइनस 2 x की पावर 3/2 था जी, तो पावर में 1 ऐड किया, तो 3/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2, और उसी के साथ हमने डिवाइड किया, पर x का यहाँ पे कोफिशिएंट है जी माइनस 2, तो उसके साथ भी डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो एंड पे सी भी ऐड करते होते हैं, तो 2 के साथ कैंसिल, तो दैट इज जी माइनस a माइनस 2 x की पावर 5/2 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर कौन सा है जी, फिफ्थ है जी, हाँ जी, फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट है जी क्या, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 है जी, वो है जी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब है जी। ओके जी, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी, यहाँ पे गलती है, ये वो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 करना था, जो कि क्या है, क्वेश्चन 2 का जी फिफ्थ पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस e की पावर x का क्यूब और डिवाइडेड बाय e की पावर x है, ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट इसका ये आपके पास है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका क्यूब ओपन करोगे, तो सबसे पहले जी क्यूब ओपन करते हैं, तो क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी हुआ करता था और डिवाइडेड बाय e की पावर x एज इट इज आ गया। ओके जी, अब 1 का क्यूब क्या होता था, 1 और प्लस e की पावर x का क्यूब, ये e की पावर 3x हो जाएगा और प्लस जी 3 e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x
और होल डिवाइडेड बाय e की पावर x आ गया, ओके हो गया। अब मजीद इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस e की पावर 3 x आ गया और इस 3 e की पावर x को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास 3 e की पावर x और प्लस 3 e की पावर 2x हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय e की पावर x हो जाएगा, ओके जी। अब ये जो ओवर में e की पावर x है ये ऊपर जितने भी टर्म्स हैं इन सबको सेपरेट कर, इनके लिए सेपरेट कर दो तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन 1 ओवर e की पावर x हो जाएगा प्लस जब आप e की पावर 3x के लिए सेपरेट करोगे तो 3 है तो एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा e की पावर 2x हो जाएगा, ओके ना। फिर 3 e की पावर x के लिए सेपरेट करोगे तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास 3 बच जाएगा और प्लस जब 3 e की पावर 2x के लिए सेपरेट करोगे तो e की पावर 2x को जब e की पावर x के साथ कैंसिल करोगे तो e की पावर x रह जाएगा तो ये आपके पास 3 e की पावर x आ जाता है, ओके हो गया। अब इन टर्म्स को सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें, हाँ जी तो इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन 1 ओवर e की पावर x और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x हो जाएगा और प्लस जी इंटीग्रेशन 3 हो जाएगा और प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर और इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, ओके जी। तो 1 ओवर e की पावर x को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले मैं इसको पावर में ही लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा जी e की पावर माइनस x हो जाएगा और प्लस अगेन अभी इनको एज इट इज मैं रहने देता हूँ, ओके जी। अब आप लोगों ने ये तो याद होगा कि इंटीग्रेशन e की पावर x क्या होती है, e की पावर x ही होती है, पर अगर आज ये इंटीग्रेशन e की पावर k x आ जाता है यानी e की पावर में x के साथ कोई कांस्टेंट हो तो उसको कैसे करेंगे तो इसके लिए भी क्या करोगे e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x और जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो ओवर में आ जाएगा, ओके हो गया। अब e की पावर माइनस x है तो इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x हो जाएगा और ओवर माइनस वन, इसी तरह e की पावर 2x की इंटीग्रेशन e की पावर 2x और ओवर 2 हो जाएगा, 3 वैसे 1 की इंटीग्रेशन x हुआ करती थी प्लस 3 और e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x और इंटीग्रेशन कंप्लीट प्लस c हो गई, ठीक है जी, ओके जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो वो आपका आंसर हो जाए जी। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करने से पहले ठीक है जी मैं आपको टाइप नंबर 3 फार्मूलों की रिवाइज कर लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो वो आप लोगों ने भी अच्छी तरह याद करनी है। टाइप नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है जी के टाइप नंबर 3 है जी, ये असल में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन होगी, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है उनकी इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले जी हमारे पास के इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है जी, तो साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये है जी माइनस कॉस ऑफ एक्स होती है, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स था मगर कॉस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस ऑफ एक्स होती है। अब जरा चेंज आना शुरू हो गया, ठीक है जी, फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने याद रखने हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ एक्स है, ये इसका पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है जी, तो कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स हुआ करता था मगर कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ एक्स है जी, ओके जी। साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ एक्स है जी। इस तरह इसका थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स थी, ठीक है जी, तो tan of x की इंटीग्रेशन होती है जी नेचुरल लॉग ऑफ secant x होती है जी, ठीक है जी, tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ secant x होती है, डिफरेंट है, sin की इंटीग्रेशन माइनस cos, cos की इंटीग्रेशन sin और tan की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ secant x होती है। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x थी, तो cot ऑफ x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स होती है, ओके हो गया, ठीक है जी, क्लियर है। दोबारा रिवाइज करते हैं, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स हो गई, कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स हो गई, टेन की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होती है और कॉट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन होती है। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स,
ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant x क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ secant x और प्लस tan ऑफ x होती है। ओके हो गया। और 6 पे हमारे पास है जी कौन सा फंक्शन, cos secant ऑफ x होती है, और cos secant ऑफ x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ cos secant x और माइनस cot ऑफ x होती है। ठीक है जी, ये आपके पास टाइप नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। ओके जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। और इसमें एक स्पेशल नोट मैं आपको बताता चलूं, क्या है कि नोट है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ एक्स है, अगर इंटीग्रेशन आ जाए साइन के एक्स, ठीक है जी, इंटीग्रेशन आ जाए साइन के एक्स, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस के एक्स हो जाएगा, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसके साथ डिवाइड कर देते हो। ठीक है जी, ये आप लोगों ने स्पेशल याद रखने, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में कोई फंक्शन आ जाएगा वो ओवर में लिखा जाता है। ठीक है जी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की साइन, टेन की नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स होती है, कॉट की नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स होती है, सीकेंट की नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होती है, और कॉट की इंटीग्रेशन सॉरी कॉस सीकेंट की इंटीग्रेशन, ठीक है जी, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस सीकेंट माइनस कॉट हो गई। ओके जी, अब टाइप नंबर 4, ठीक है जी, वो आपके स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर होगी। ठीक है जी, टाइप नंबर 4, ठीक है, टाइप नंबर 4 ये आपके स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है। ओके हो गया। तो एक चीज आप लोगों ने स्पेशल याद रखनी कि टू फंक्शंस मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो स्केल में उनकी इंटीग्रेशन है, ठीक है जी, वो कौन कौन से, एक है जी सीकेंट स्केयर और दूसरा है जी कोस सीकेंट स्केयर, इन दोनों की इंटीग्रेशन हमारे पास है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा है कि सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन है, तो सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन होती है जी टेन ऑफ एक्स होती है। ठीक है जी, सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan of x, और इसी तरह cos secant square की भी इंटीग्रेशन हमारे पास है, ठीक है, और cos secant square की इंटीग्रेशन माइनस cot of x होती है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जो कि स्केयर में हो, जैसे कि tan square आ जाए या cot square आ जाए या sin square आ जाए या फिर cos square आ जाए, तो उसके लिए फिर हमने कोई ना कोई ट्रिक यूज करनी होगी, उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगी, मगर उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम फिर मजीद फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, चलिए जी सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी इंटीग्रेशन, जैसे कि ये फार्मूला हमारे पास है, अब इंटीग्रेशन हो किसकी, tan स्केयर एक्स की, या फिर हमारे पास इंटीग्रेशन हो कॉट स्केयर एक्स की, तो तब क्या करेंगे, तब हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या कि आपको तो ये याद है कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा किसकी इक्वल हुआ करता था, हाँ जी याद है, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा किसकी इक्वल हुआ करता था, वो सीकेंट स्केयर थीटा हुआ करता था, और यहाँ से आपको टेन स्केयर थीटा की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ से टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल था, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन के। ओके हो गया, तो टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन के, और सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या थी, टेन एक्स थी। ठीक है, तो तब जब अगर क्वेश्चन में टेन स्केयर आ जाए कॉट स्केयर आ जाए, टेन स्केयर आ गए तो उसका फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करोगे, सीकेंट स्केयर माइनस वन, तो फिर इनको अलग-अलग इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है जी, तो अगर आ जाए तो देन यूज आप लोग करोगे फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके हो गया, और इसी तरह आपको ये भी याद होगा कि 1 प्लस cot स्केयर थीटा किसकी इक्वल हुआ करता था, cos secant स्केयर थीटा के, और यहां से अगर आप देखें तो cot स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, हाँ जी वो इक्वल होगा जी cos secant स्केयर थीटा माइनस वन के। ओके हो गया, तो जब cos स्केयर थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो पहले उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करोगे, तब इसको इंटीग्रेट करोगे, और cos secant स्केयर थीटा की इंटीग्रेशन उम्मीद है आपको पता चल चुकी है क्या है, माइनस cot ऑफ x, और 1 की इंटीग्रेशन तो आपको काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, x हुआ करती थी। ओके जी, ये तो हो गया tan स्केयर थीटा और cot स्केयर थीटा, secant स्केयर और cos secant स्केयर पहले ही डिस्कस कर लिया, अब अगर आ जाए sin स्केयर या फिर cos स्केयर, ठीक है जी,
ठीक है जी। अगर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, तो तब आप क्या करोगे? ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह याद रखनी है। अगर साइन स्क्वायर आ जाए या फिर कॉस स्क्वायर आ जाए, तब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे? फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज, सॉरी हाफ एंगल फार्मूले यूज करोगे। और हाफ एंगल फार्मूला आपके पास क्या है? ठीक है जी, देन यूज हाफ एंगल फार्मूले, तब आप हाफ एंगल फार्मूला यूज करोगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको पता है कि साइन थीटा बाय टू किसके इक्वल हुआ करता था? हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा के ओवर टू के इक्वल हुआ करता था। और यहां से अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्केल लिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, और एंगल को डबल किया तो इधर एंगल डबल हो जाएगा। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके? 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 के। ओके, हो गया। तो जब sin स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन आ जाए, तो तब आप लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है। तो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता क्या x होगी या थीटा होगी, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? हाँ जी, cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और एंगल में कितना है? 2 है, तो वो ओवर में आ जाएगा, ओवर 2। ओके, हो गया। और इसी तरह cos थीटा बाय 2 का फार्मूला क्या था? हाँ जी, वो करता था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा और ओवर 2 था। और यहां से आपके पास cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? cos स्क्वायर थीटा, हाँ जी, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जी 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होगा। ओके, हो गया, कोई प्रॉब्लम? आप लोगों ने ये यूज करना है। ओके, हो गया। तो ये टू टाइप्स हैं, इनको सॉरी मजीद टू टाइप्स हैं जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। ओके, हो गया, इनके बगैर काम नहीं चलना। इंटीग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, और हायर क्लासेस में भी यही मैथ आप लोगों ने पढ़ना है। तो ये तब ही आएगा जब इन फार्मूलों पे आपकी ग्रिप होगी। ओके, हो गया। पहले सिंपल टाइप नंबर 3 में हमने क्या किया था? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखी, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। और टाइप नंबर 4 में हमने स्केल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा, और उसमें मैंने आपको बताया था कि टू फंक्शंस ऐसे हैं जो स्केल में हो, उनकी इंटीग्रेशन है, एक सीकेंट स्केयर और दूसरा कोसेकेंट स्केयर है। सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन टेन एक्स है, और कोसेकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट ऑफ एक्स है। और अगर इसके अलावा साइन स्केयर या कोसेकेयर आ जाए, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। और अगर टेन स्केयर या फिर कॉट स्केयर आ जाए, ठीक है, तो तब हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके जी, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ, क्योंकि ये फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद पहले कर लेने, फिर आगे इंशाल्लाह काम होता चला जाएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।